स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। आज हम आए थे, फर्स्ट डे था क्लास आफ्टर कोविड, तो अभी क्लास करके जा रहे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर स्किप किए हैं, फोर्थ लेक्चर किए हैं। आने से पहले सबसे पहले मैं गया एडमिशन सेल, क्योंकि लोग मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम पे कि कब होगा काउंसलिंग BMLT BRIT एंड DMLT। तो हम वहाँ गए, वहाँ मिले हमें एडमिशन वाले चिच्चा, थोड़ा मुश्किल थे उनको, तो उन्होंने बात नहीं कर पाए। फिर उसके बाद आपके बारे में मालूम किया। अभी हम आए थे एडमिशन ब्लॉक में, तो आप बोल रहे थे पूछ लीजिए BRIT BMLT DMLT का कब से मेरिट तो काउंसलिंग होने वाली है। तो अभी मैं मालूम किया हूँ, तो ये लोग बोल रहे हैं 15 से स्टार्ट होगी, 15 सितंबर से कन्फर्म डेट है, लेकिन मे भी इससे पहले भी हो सकता है। लेकिन मैम ने कहा 15 हम आपको डेट दे रहे हैं, इसलिए कि अगर इनकेस 10 होना हुआ तो 15 को 100% हो जाएगा, तो 15 को रखिएगा। अभी हम लोग लेक्चर करके लंच हुआ ब्रेक और निकल रहे हैं, और हमारे कुछ गरीब स्टूडेंट हैं इंटीग्रल में जिनके अब्बा बिल्डर हैं लेकिन पैसा देने भट्टा है इनके अब्बा का। सोनू बताओ क्या है इनके अब्बा का? फैसल भाई के अब्बा का भट्टा है भाई। और ये देखो सब अमीर स्टूडेंट है, इनकी खुद की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और इनके अब्बा बिल्डर है, लेकिन एप्लीकेशन लिख रहे कि फीस माफ कर दो। भट्टा है, ईट जो बनाता है भट्टा ब्रिक्स, तो लेकिन एप्लीकेशन क्या लिख रहे हो? पैसा नहीं अब्बा भट्टा चलाते, क्या वो ईटे में पानी भर गया इस बार क्या? खेती नहीं हुई है। और ये गरीब इनके अब्बा फार्मर हैं। और सोनू भाई को पहचान लो, सोनू भाई का जलवा है, जलवा। अभी हम लोग इस वक्त आ गए हैं अपने सिविल डिपार्टमेंट लंच के बाद। अभी GLT 2 में क्लास चल रही है और आ रहे हैं, फिर देखते हैं क्या क्लास हो रही है। ये मेरा डिपार्टमेंट है। अभी इस वक्त हम लोग का BNLT में क्लास है, एक लैब है माइनर प्रोजेक्ट। कैसे पॉसिबल हुआ सिविल वालों को BNLT भेजने के लिए? ये BNLT है सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी बिल्डिंग, समझ सकते हो BNLT है। और हम लोग का आज पहला एक प्रोजेक्ट है यहीं पर आया हुआ, देखते हैं। आज हम लोग का फर्स्ट डे, लैब ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा, कहीं GLT में जा रहे हैं, कहीं BNLT में जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, अब देखते हैं कहाँ है। का क्वेश्चन आ रहा था कि BMLT BRIT DMLT का काउंसलिंग कब होगा, तो आज मैं इंटीग्रल गया था, वहाँ पर एडमिशन ब्लॉक गया, तो मैम से मैंने पूछा कि आपको बता दीजिए कि BMLT और BRIT और DMLT का कब काउंसलिंग हो। तो उन्होंने 15 सितंबर का डेट दिया है, मे भी उससे पहले हो सकता है, मे भी उसके बाद भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने एग्जैक्ट डेट नहीं दिया कि 15 ही को होगा, बोला कि 15 से पहले हो जाएगा। एक ये पहला क्वेश्चन ये था। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा था कि स्कॉलरशिप का क्या है। स्कॉलरशिप का यहाँ पे ये एक प्लान है, एक आते हैं नेशनल, एक का होता है स्टेट। नेशनल क्या होता है? जिसको मुमा स्टेट होता है वो UP का होता है। अगर आप मुस्लिम हैं, माइनॉरिटीज में आ रहे हो, तो उनका एक डिपार्टमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसको मुमा नेशनल स्कॉलरशिप बोलते हैं। तो उसमें आप फिलअप करिए, 80-90% 95% चांसेस है कि स्कॉलरशिप आ जाएगी। जैसे मेरी फी 1,40,000 है, तो मेरी 25,000 स्कॉलरशिप आती है। डिपेंड ऑन योर कोर्स होता है कि आपके कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कितनी फी है, तो उसके अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप आती है। अब दूसरी स्कॉलरशिप क्या है कि आप नॉन मुस्लिम हैं, मुस्लिम नहीं है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, कोई और है, तो आप स्टेट की स्कॉलरशिप करें। जैसे आप UP स्टेट से बिलोंग करते तो आप UP स्टेट की स्कॉलरशिप करें, उसमें ये बेहतर है कि आपकी स्कॉलरशिप ज़्यादा आएगी, प्लस पॉइंट यही है। मेरे साथ, मैं नेशनल का भरता हूँ, मेरे 25,000 स्कॉलरशिप आती है। मेरे साथ नॉन मुस्लिम लड़का है, दोस्त है मेरा, वो स्कॉलरशिप स्टेट का भरता है, उसका 56,000 आती है, तो ये प्लस पॉइंट है। तो आप अगर मुस्लिम हैं तो आप नेशनल के लिए स्कॉलरशिप फिलअप करें, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आप UP की जो स्कॉलरशिप आती है उसके लिए फॉर्म भरें। और एक क्वेश्चन आ रहा था कि भाई हॉस्टल कौन सा बेस्ट है, किस हॉस्टल में रहें? तो अगर देखिए, अगर मैं जिस हॉस्टल में रहना चाहते हैं उस हॉस्टल में अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरे जाइएगा, मैसेज करिएगा, DM करिएगा, मैं रिप्लाई करता हूँ हर एक का, तो आप आ सकते हैं मेरे हॉस्टल, अभी रूम यहाँ खाली अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं। और एक और क्वेश्चन था कि भाई फिर से आप बता दीजिए कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। एडमिशन प्रोसेस देखो ये है कि किसी किसी डिपार्टमेंट में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, किसी किसी डिपार्टमेंट में एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता। तो पहले क्या करना है कि अगर आप इंटीग्रल आ सकते हैं, सबसे पहले आप ये करिए कि कॉल करिए एडमिशन सेल को और पूछिए कि जिस डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन लेना उस डिपार्टमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम है या नहीं है।
अगर एंट्रेंस एग्जाम है तो अगर आप आ सकते हैं इंटीग्रल तो बेस्ट है, आप इंटीग्रल आके फॉर्म भर दीजिए, वरना आप ऑनलाइन फिलअप कर दीजिए। ऑफलाइन का फॉर्म का फिलअप का चार्ज है 1000 और ऑनलाइन फिलअप करते तो 1100 है। ऑनलाइन फिलअप कर दीजिए, उसके बाद वो एक डेट देंगे जिस डेट में कभी भी डेट अभी दिए नहीं, जैसे बी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम होता है, डी फार्मा का, फॉर्म डी का, पीएससी नर्सिंग का, ऐसे कुछ कोर्सेज हैं जिसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, अभी वो डेट आई नहीं। आप कांटेक्ट करते रहिए एडमिशन सेल को कि कब डेट आएगी, आपको मेल किया जाएगा या कॉल की जाएगी, तो उस डेट में आप आइए एंट्रेंस एग्जाम दीजिए और एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, फिर उसके बाद एडमिशन ले लीजिए। और दूसरा क्या कि कुछ कोर्सेज में जो कोर्सेज में जिसमें एंट्रेंस नहीं होता तो उसका ये बेस्ट है कि आप मालूम कर लीजिए कि इस डिपार्टमेंट में एंट्रेंस होता है या नहीं होता, तो उस अगर उसमें एंट्रेंस नहीं होता तो आप आइए इंटीग्रल आइए, ऑफलाइन फॉर्म भरिए और ऑन द स्पॉट बोलिए मुझे एडमिशन लेना, तो आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेके आइए। जैसे मेरा फीस 1,40,000 तो 90,000 मेरा इंस्टॉलमेंट है, बीबीए की फी 80,000 तो उसका पहला इंस्टॉलमेंट 50,000 है, सेकंड इंस्टॉलमेंट 30,000, तो 50,000 आप लेके आइए, फिर आप काउंसलिंग हॉल में जाइए, काउंसलिंग लेटर निकालिए, एडमिशन लीजिए और फी पंजाब बैंक में सबमिट कर दीजिए और एडमिशन हो जाए। ये आसान तरीका, तो बेस्ट यही है कि आप पहले एडमिशन सेल को कॉन्टेक्ट कर लीजिए कि आपका कोर्स जो है वो एंट्रेंस एग्जाम होगा या नहीं होगा, ये एडमिशन सेल वाले आपको कंफर्म कर देंगे। फिर उस तरीके अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है तो बेस्ट है कि आप ऑनलाइन फिलअप कर दीजिए, आप इंटीग्रल आने की क्या जरूरत है, अगर नहीं है तो आप आइए इंटीग्रल एडमिशन करा के बेस्ट तरीके से घूमिए। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते। ऑलमोस्ट वीडियो में मैंने बोला नहीं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो अगर आप इस चैनल पर विजिट किए हैं, मैं इंटीग्रल का तलबा हूँ मतलब स्टूडेंट हूँ, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई कुछ भी रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, जैसी भी वीडियो लग रही है आपको कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।